आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप भी हो जाए सावधान, क्योंकि छोटा डॉन हो चुका है चुस्त दुरुस्त और छोटे डॉन ने संभाल ली है कमान चोरी की। ये वही छोटा डॉन है जो अक्सर गाड़ी के शीशे तोड़ता है दिल्ली एनसीआर में, ऑन डिमांड चोरियाँ करता है और शीशे तोड़ने के बाद अंदर घुसता है, कोई पहचान भी नहीं पाता। लॉक खोलने के बाद ये गाड़ी की जो गाड़ी होती है उसकी चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा छोटा डॉन, लेकिन हम आपको आज हकीकत में छोटा डॉन दिखा रहे हैं। हमारे साथ में याकूब, आपका नाम है, क्या नाम है आपका? जमशेद। जमशेद, आपकी उम्र कितनी? जमशेद 22 साल। 22 साल, अच्छा 22 साल की उम्र में आपने अब तक कितनी गाड़ियां चोरी की हैं? मालूम नहीं सर जी, मालूम नहीं। जमशेद, क्यों आए आप इस फील्ड में? आप बोने हैं, आपकी हाइट भी कम है, तो क्या फ़ायदा उठाते थे ये आपके दोस्त आपसे? सर गरीब हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकते इसलिए। जी गरीब हूँ मैं इसकी वजह से। बाप तो गरीब हो तो आपने चोरी का रास्ता अपनाया जी। तो किस तरह से आप चोरी करते थे थोड़ा बताओ, ये किस तरह से आपको यूज करते थे? सर शीशा तोड़ गया, शीशा तोड़ गया, खुल का बोल दे, शीशा तोड़ गया। शीशा तोड़ते थे जी। और फिर आप क्या करते थे शीशा तोड़ के? बस शीशा तोड़ के अंदर से लॉक खोल देते थे। शीशा तोड़ के लॉक खोलने का काम, खाली लॉक खोलने का काम था आपका जी, बाकी काम ये दोस्त करते थे आपके जी। तो ये आपके जो दोस्त हैं आपको कितने पैसे देते थे लॉक खोलने के? सर ऐसी 2-3 हज़ार रुपये। 2-3 हज़ार। अब तक कितने गाड़ियों के लॉक तोड़ चुके आप? मालूम नहीं, अनगिनत, मतलब अनगिनत, पता नहीं सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आपने राजपाल यादव को देखा होगा छोटा डॉन, तो आप भी बनना चाहते हो, फिल्मों में आने का शौक है? नहीं। तो कहाँ से सीखा आपने ये चोरी का धंधा? सर कहीं से भी नहीं। कहीं से नहीं सीखा, समझ जाइए कहीं ये छोटा डॉन आपके इलाके में ना जाए। इस पूरी घटना में बात करने के लिए लोनी के क्षेत्र अधिकारी हमारे साथ में। सर ये जो लोग थे किस तरह के लोग थे और अब तक कितनी गाड़ियां चुरा चुके? ये जो हमारी लोनी पुलिस टीम ने कल बहुत अच्छा वर्कआउट किया है वाहन चोरी गिरोह का। ये लोग कल ये बंथला फ्लाईओवर के पास जो चेकिंग चल रही थी, डेली चेकिंग चलती है हमारी, तो बंथला फ्लाईओवर पर टीला मोड़ की तरफ से एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई प्रतीत हुई, जिसका नंबर प्लेट भी नहीं था, सफ़ेद रंग की VDI स्विफ्ट। उसमें बैठे लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो इसमें एक का नाम रौनक अली और दूसरे का जमशेद था, जमशेद उर्फ बौना। बौना लगभग 2 फीट का नाटे कद का व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि हम चोरी की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, ये वाहन चोर गिरोह है एक तरीके का, जो दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लग्जरी गाड़ियों की चोरी करता है। इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इस गाड़ी के अतिरिक्त हमने कुछ गाड़ियां निठौरा के गड्ढों में भी छुपा के रखी है। वहाँ जब हमारी टीम दबिश दी तो वहाँ पर एक गाड़ी में 3 वाहन चोर बैठे थे, इसमें से 2 को वहीं दबोच लिया गया और एक भागने में फरार हुआ। पूछताछ में भागने वाले व्यक्ति का नाम सोनू बताया इन लोगों ने। बाकी 8 गाड़ियां गड्ढों से और बरामद हुई, जिसमें स्कॉर्पियो, स्विफ्ट डिजायर और लग्जरी महंगी गाड़ियां थी। ये बहुत अच्छी वाहन चोरी की घटना वर्कआउट ही है, वाहन चोरों से और पूछताछ की जाएगी। सोनू अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीज़ें और निकल के आएंगी। सर इसमें जो जमशेद है, बोना है, आखिर उसका क्या रोल है? इन जो पूरा गिरोह है इन्होंने जमशेद को किस तरह से पेश किया? रौनक जो संभल का है, मास्टरमाइंड है, उसका ये रिश्तेदार ही है जमशेद उर्फ बौना, और छोटे कद का है, 22 साल उम्र है और लगभग 2-2.25 फीट उसकी हाइट है। तो वो छोटे कद के कारण ये बच्चा लड़का जैसे प्रतीत होता है छोटा, और इसका फ़ायदा उठा के वो चुपचाप गाड़ियों के शीशे तोड़ के गाड़ी के अंदर घुस जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चल पाता और महंगी से महंगी गाड़ियों का लॉक तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम देता है, इसलिए अधिक चोरियां करने में सफल हो रहा था। और बहुत अच्छा उसका पकड़ा जाना, बहुत अच्छी बात है पुलिस के लिए। उम्मीद है कि सर वाहन चोरी की जो घटना है उस पर रोक लगेगी अब सोनू की गिरफ्तारी के बाद ही, और कहाँ कहाँ से इन लोगों ने वाहन चोरी किए हैं वो घटनाएँ खुल के आ जाएंगी। रौनक अली जो मास्टरमाइंड है, ऑलरेडी उस पर 8-10 मुकदमे चोरी के हैं, जो दिल्ली के विभिन्न थानों में और 3 हमारे लोनी थाने से भी उसके ऊपर चोरी के मुकदमे। चलो देखने वाली बात होगी कि इस घटना के खुलासे से वाहन चोरी की घटना है उस पर कहां तक अंकुश लगता है। कैमरा पर्सन हसन के साथ मैं मुशाहिद खान, सहारा समय, लोनी, गाजियाबाद।